गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ गेटिंग स्टार्ट. यहाँ हम बेटा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है उसे आइए पहले समझते हैं. तो इसमें हमें एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को देखते हुए क्वेश्चन के आंसर यहाँ करने हैं. नाउ श्याम सुंदर द टांगा वाला, श्याम सुंदर है एक, ये टांगा वाला है. मेक्स 10 trips इन अ डे, एक दिन में 10 trips करता है, मतलब एक बार में 10 बार वो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. ठीक है, इस तरह से वो 10 trips करता है. सो इन क्वेश्चन नंबर ए, इन 1 trip ही कैरीज 7 passenger. एक ट्रिप में अगर वो 7 passengers को लेके जाता है, सो हाउ मैनी पैसेंजर्स डज ही कैरी इन 1 day. तो बताइए टोटल कितने पैसेंजर को वो एक दिन में लेके जाता है. तो जैसे कि हमें बताया है यहाँ कि मेक्स 10 trips इन अ डे, एक दिन में वो 10 trip करता है. ठीक है, और वो एक ट्रिप में 7 passengers को लेके जाता है, तो दिन भर में कितने टोटल कितने पैसेंजर्स को लेके जाएगा. ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल कितने पैसेंजर है, 7. तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 day का लिखना है कि एक दिन में वो 10 trip करता है, तो पूरे एक दिन में टोटल कितने पैसेंजर्स को वो लेके जाता है. तो 7 passengers को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल ट्रिप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 times 70. सो हाउ मैनी पैसेंजर डज ही कैरी इन 1 day, सो ही कैरीज 70 passengers इन 1 day. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर बी, ही चार्जेस 5 rupees पर पैसेंजर, हाउ मच डज ही अर्न इन 1 trip. अगर वो एक पैसेंजर से 5 rupees लेता है, तो हमें बताना है हाउ मच डज ही अर्न इन 1 trip. तो एक ट्रिप में कितना पैसा कमाता है, तो एक ट्रिप में वो कितने पैसेंजर्स को लेके जाता है, 7. ठीक है, यहाँ 7 passenger को 1 trip में लेके जाता है ना, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया है. और कितने रुपए चार्ज करता है वो पर पैसेंजर, एक पैसेंजर से 5 rupees, तो हमने यहाँ लिख दिया है. तो बताना 1 trip में कितने पैसे वो अर्न करता है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 times 5 = 35. तो वो 1 trip में कितने पैसे कमाता है, 35 rupees. क्लियर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मच डज ही अर्न इन अ 1 day. तो वो पूरे दिन में कितना कमाता है, अगर एक ट्रिप में 35 rupees कमाता है, तो पूरे एक दिन में कितना पैसा कमाता है, तो वो पूरे दिन भर में कितने ट्रिप करता है, 10 trip करता है. तो यहाँ पे 1 trip में 35 rupees अगर वो अर्न करता है, तो टोटल वो 1 day में कितने ट्रिप्स करता है, 10. तो 35 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो ज़ीरोज़ है वो हम लगा दिए, और फिर 35 times 35. तो वो एक दिन में टोटल कितना पैसा कमा रहा है, 350 rupees. ओके, नाउ इफ़ ही डोनेट्स द अमाउंट रिसीव्ड इन 1 trip, अगर वो एक ट्रिप का पैसा डोनेट करता है टू द लेस फॉर्चुनेट चिल्ड्रेन इन हिज लोकेलिटी, अपने आस पड़ोस के बच्चों में अगर वो एक ट्रिप का पैसा दान दे देता है, सो हाउ मच डज ही डोनेट, हाउ मच इज लेफ्ट विथ हिम आफ्टर द डोनेशन. तो डोनेशन के बाद उसके पास कितना पैसा बचता है, तो यहाँ देखिए अमाउंट डोनेटेड. तो इफ ही डोनेट द अमाउंट रिसीव्ड इन 1 trip टू लेस फॉर्चुनेट चिल्ड्रेन इन हिज लोकेलिटी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 trip का पैसा वो डोनेट करता है, तो 1 trip में देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो अमाउंट डोनेट, तो वो 7 passenger का पैसा जो है वो डोनेट करता है, और 5 rupees पर पैसेंजर ले रहा है, तो 7 times 35 हो रहा है, ये हमने बी वाले क्वेश्चन में किया है. तो वो डोनेट कितना कर रहा है, 35 rupees डोनेट कर दे रहा है. अब कहा गया है कि अमाउंट लेफ्ट, उसके पास कितना पैसा बच रहा है, तो टोटल वो एक दिन में कितना अर्न करता है, 350 rupees अर्न कर रहा है, जिसमें से अगर वो 35 rupees डोनेट कर दे रहा है, तो उसके पास कितना पैसा बचा, तो 350 में से 35 rupees को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आंसर बचेगा, 315. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये हमारा
मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट ये फिनिश होता है। आपको ये अपना वर्क जो है बुक में कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर करना है। ओके क्लास, थैंक यू।